सूर्य ग्रहण लगने के बाद लोहावट पंचायत समिति क्षेत्र के सदरी ग्राम पंचायत के राजाला तालाब पर चल रही नरेगा कार्य पर महिलाओं ने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन कीर्तन किया। सूतक काल 12 घंटे पूर्व शनिवार रात 10:14 पर शुरू हुआ और ग्रहण 21 जून रविवार को सुबह 10:14 पर शुरू हुआ। मध्यम 12:14 पर व मोक्ष दोपहर में 1:38 पर हुआ। इस ग्रहण की कुल अवधि 3:25 की रही। यह अधिकांश भूमंडल पर दिखाई दिया। इसके बाद मौजूदा वर्ष के अंत में एक और सूर्य ग्रहण होगा। क्यों और कैसे लगता है सूर्य ग्रहण, तो आइए जान लेते हैं पहले क्यों और कैसे लगता है सूर्य ग्रहण। भौतिक विज्ञान के अनुसार जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है, उसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है और यह घटना अमावस्या को ही होती है। तो आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण लगने के धार्मिक कारण, पौराणिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था तब उस दौरान देवताओं और दानवों के बीच अमृत पान के लिए विवाद शुरू हुआ, तो इसको लेकर के सुलझाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी के रूप से सभी देवता और दानव उन पर मोहित हो गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं और दानवों को अलग अलग बिठा दिया, लेकिन तभी एक असुर को भगवान विष्णु की इस चाल पर शक पैदा हुआ। वह असुर छल से देवताओं की लाइन में आकर बैठ गया और अमृत पान करने लगा, लेकिन देवताओं की पक्ति में बैठे चंद्रमा और सूर्य ने इस दानव को ऐसा करते हुए देख लिया, जिस बात की जानकारी उन्होंने भगवान विष्णु को दी, जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से दानव का शीर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत का पान कर लेने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई और उसके सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु के नाम से जाना गया, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के कारण उस दानव की यह दशा हुई थी। इसलिए तभी से राहु और केतु इन्हें अपना दुश्मन मानने लगे, जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और अमावस्या के दिन सूर्य का ग्रास करने की कोशिश करते हैं और जब वह ऐसा कर पाने में सफल हो जाते हैं तब इस घटना को ग्रहण कहा जाता है। राजस्थान के जनपद जोधपुर से कैलाश बिश्नोई की रिपोर्ट।